खत्म हो गई बीजेपी की टेंशन, मोदी 3.0 का रास्ता साफ, नायडू नीतीश ने दिया ग्रीन सिग्नल। टीडीपी और जेडीयू ने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी को समर्थन देने के संकेत दे दिए हैं। नीतीश और चंद्रबाबू आज होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित हो गए हैं। एनडीए गठबंधन को सबसे अधिक 293 सीटों पर जीत मिली है, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 234 और अन्य के खाते में 16 सीटें आई हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए बीजेपी की टेंशन खत्म होती दिख रही है। नायडू नीतीश ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जिससे मोदी 3.0 का रास्ता साफ हो गया है। जनता दल यानी यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 में किंग मेकर बनी है, क्योंकि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि जेडीयू और टीडीपी एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद कोई खेल कर सकती हैं। तीसरी बार मोदी सरकार। हालांकि टीडीपी और जेडीयू ने केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बीजेपी को समर्थन देने के संकेत दे दिए हैं। एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार तो अब बनेगी ही। केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के समर्थन पर तोड़ी चुप्पी। इससे पहले नीतीश कुमार के करीबी विश्वास पात्र जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि हम बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करेंगे, यह महज अफवाह है, हम एनडीए का हिस्सा हैं और हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। नीतीश कुमार दिल्ली में हैं और वह समर्थन पत्र सौंपेंगे, जिसमें जेडीयू ने नरेंद्र मोदी को पीएम के रूप में प्रस्तावित किया है। बीजेपी का समर्थन करेगी टीडीपी। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के साथ है। उन्होंने प्रेस से बातचीत में कहा, आप हमेशा खबर चाहते हैं, मैं अनुभवी हूं और मैंने इस देश में कई राजनीतिक परिवर्तन देखे हैं। हम एनडीए में हैं, मैं एनडीए की बैठक में जा रहा हूं, समय आने पर हम इसकी रिपोर्ट देंगे। क्या बोले संजय राउत? इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार किसी तानाशाह के साथ नहीं जाएंगे। उन्हें यह तय करना होगा कि क्या वे एक तानाशाह के साथ जाना चाहते हैं और लोकतांत्रिक प्रणाली में काम करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वे एक तानाशाह के साथ जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार नहीं बनाएंगे। कितनी सीटें जीती? बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा में 240 सीटें जीती हैं, जो लोकसभा में बहुमत के आंकड़े इससे 32 कम है। इसके अलावा विपक्षी दलों के गठबंधन ने 230 से अधिक सीटें जीती हैं। तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में 16 और नीतीश कुमार के जेडीयू ने 12 सीटें जीती हैं।